राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल की नई वीडियो पर। आज हम लोग आपको दिखाएंगे हमारी क्षेत्र की तीन नहरें हैं, तीनों नहरों के उद्गम स्थान को हम दिखाएंगे और आप लोगों को वहां बताते हैं। लोग कहते हैं मगरमच्छ भी हैं, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। चलो आप लोगों को लेके चलते हैं वीडियो में आगे, और वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। इन दोनों ने बहुत बच्चूतियाँ की हैं वीडियो में, बहुत मजा आएगा। चलो ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये लोअर गंगा कैनाल है। ये इटावा ब्रांच की दोनों नहरें यहीं से निकली हैं। हमारी इटावा ब्रांच की दोनों नहरें यहीं से निकली हैं, और यहाँ से हम आगे जब चलेंगे तो आपको इसका उद्गम स्थान और कानपुर वाली ब्रांच का उद्गम स्थान दिखाएंगे। ये जो नहर है, ये है सुखोआबाद वाली। ये सुखोआबाद बालाजी से होकर सीधी इटावा के लिए जाती है। सीधे ये पश्चिम तरफ का पूरा पानी इसी नहर से लगता है, और इसके जो दूसरी तरफ है, इधर ये हम आपको अभी दिखा रहे हैं दूसरी तरफ, ये चलते हैं अभी। ये वाली हमारी पटिगरा वाली है, ये भी इटावा ब्रांच है। ये पटिगरा वाला क्षेत्र था पूरब का पूरा, लेकर पटिगरा से होती हुई सीधी घिरोर, घिरोर से सीधे इटावा के लिए निकल जाती है। ये इटावा ब्रांच ये भी है, और साइड वाली भी इटावा ब्रांच है। दोनों नहरें ये यहीं से निकलती हैं, लोअर गंगा कैनाल। ये जो आप पानी का वोमंड देख रहे हैं, यही है कानपुर ब्रांच नहर। ये हमारी खड़ीत, खड़ीत से दन्नाहार, दन्नाहार से भामत होते हुए सीधे कानपुर में जाकर मिलती है।
और इसका असली आनंद लेना है तो आप मानसून के समय में जाइए, जब इसके तीनों फाटक खुलें तो यहाँ देखने का नज़ारा ही कुछ अलग होगा। जब एक फाटक खुला तब इतना मज़ा आ रहा है इसे देखने में भाई, ओहो क्या कहना। अगर ये इसके तीनों जब फाटक खुले होंगे, जब पानी यहाँ पानी 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 दिखेगा तो बहुत ही मज़ा आएगा भाई, बहुत आनंद आएगा। अभी तो यहाँ थोड़ा ही पानी है, एक फाटक खुला है वो भी आधा, तब इतना पानी है। अगर इसके तीनों फाटक खुले हैं मानसून के समय में तो इसका देखने का नज़ारा ही कुछ और होगा, बहुत मजे आएंगे देखने में। यहाँ पर एक मगरमच्छ बैठा है, हम दबे पांव जाएंगे कहीं वो पानी में ना चला जाए। ये गया गया गया, ये चला गया पानी। ये हिलेंगे ना शायद दोस्त, अभी जब नहीं हिलेंगे भाई, बिल्कुल जब तक ये धूप खत्म ना होगी तब तक ये यहीं पड़े रहेंगे, जैसे ही धूप खत्म। हे गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। भाई नए चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और घंटा जरूर दबा दें बेल आइकन। बाय।